तो हम देखो पत्थर के पास पहुंच गए हैं, बस मुश्किल से 10-12 मीटर दूर है। अरे दिख गया हूँ, दिख गया। भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। हम जा रहे हैं। और भाई क्या हाल चाल है? और भाई क्या हाल चाल है? चुप हो जा। क्या हाल है? सब बढ़िया। क्या हाल चाल आप लोगों का? बहुत स्वागत है ब्लॉग में। आज जा रहे हैं ब्लॉग करने के लिए। चलो बात करते हैं फटाफट। अब बैठ रहा हूँ, स्कूटी पे बैठने जा रहे हैं। ठीक है चल भाई, ले फोन पकड़। अरे चाबी तो रह गई, रुक जा चाबी। शिट पागल आदमी रहेगा। पार्क सेक्टर 8 में है। पार्क सेक्टर 8 में है। अब देखते कोई बढ़िया सी जगह मिल जाए तो अभी बता रहे हैं, पर कौन सा है। तो गाइस प्लान हो गया फिक्स। हम जा रहे हैं राम मंदिर में। राम मंदिर में देखते हैं तैरता है या ना तैरता है। क्या कहा जाता है कि पत्थर तैरता है पानी में? अभी उसकी इसलिए पता चलेगी। अभी जाते हैं दादे मंदिर, पालम और राजनगर के बीच में पड़ता है, द्वारका के पास। चप्पल उतारनी होगी और उसके अंदर चकवानी होगी, तो मैं कुछ देर बाद चप्पल उतार। यहाँ पे हमें चप्पल उतारनी होगी और अपनी चप्पल ध्यान उतारी हुई। यहाँ पे चोर बहुत हैं, अपनी सोच वाली चप्पल पहन लाई है। ठीक है 22 नंबर। ठीक है तो हम तो एक्साइटेड है वो पत्थर देखने के लिए। हम तो पत्थर देखने के लिए एक्साइटेड है। देखो भाई राम ने भी कितनी मेहनत करी थी, के छेद के। तो मैं दिखा दूँ पीछे का भी कैसा नजारा है। ये देखो ये मंदिर है, इधर का भी दिखा। फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। अंदर का व्यू देखिए आप कितना बढ़िया है। ओह माय गॉड भाई, आप देख सकते हैं फ्रंट का तो देख सकते हैं आप मंदिर का कितना बढ़िया है। खतरनाक व्यू है, खतरनाक व्यू। ये देखिए ऊपर से ये आसपास का व्यू, एक नंबर का मंदिर है। आप यहाँ पर आइए, अपनी इच्छा पूरी कीजिए। हम तो अपनी इच्छा पूरी करने आए, राम पत्थर देखने आया है भाई। तू सर बिल्कुल भाई, अब देखते हैं उसको कहाँ पे राम पत्थर। मंदिर बहुत ही बढ़िया। देखो चारों तरफ से दिखा देता हूँ आपको, ये मंदिर है। पत्थर के पास पहुंचने वाले राम पत्थर के पास, आपको दिखाएंगे कि वो कैसा है। चलो हम चलते हैं और आने वाले हैं। धूप देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज्यादा हो रही है। तो कोई पत्थर को पता है पत्थर कहाँ पे? पत्थर देखो वो रहा पत्थर, हम पहुंच गए हैं। तो हम देखो पत्थर के पास पहुंच गए हैं, बस मुश्किल से 10-12 मीटर दूर है। अरे दिख गया हूँ, दिख गया। तो ये रहा वो पत्थर, देखो गाइस ये रहा पत्थर, आप देख सकते हैं ये पत्थर है वो। इधर से भी दिखाता हूँ आपको चारों तरफ से। तो इस पत्थर को बोला जाता है कि ये पानी पे तैरता है। तो मेरे को तो यहाँ पे कुछ घपला लग रहा है कि ये मतलब तैर कैसे रहा है। चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ आपको इसका। तो आपको इस पे भरोसा हो रहा तो दिखाइए। मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ चाल चल रखी है जिसकी वजह से ये तैर रहा है। राम सेतु अवशेष, ये देखो ये राम पत्थर है ना। तो फाइनली आपने गाइस देख लिया राम पत्थर हो रहा हमारे पीछे, क्या वो पानी पे तैर रहा है। मेरे को तो एक गड़बड़ लगती है कुछ, आपको गड़बड़ लगती है तो आप भी बताइए। तो सर आपके हिसाब से? मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद कर ली थी लगता है सच में। तो आपको कैसा लग रहा है राम पत्थर? क्या इस पे बड़े बड़े वानर चले गए होंगे इस पत्थर पे पैदल गए? इस पर तो एक ही धर्म है तो अंदर चला जाएगा। तो चलो देखते हैं, जैसे भी भगवान की कृपा आए तो मंदिर वाले मान में याद रखिए बात। ठीक है चलो देखते हैं, वो तो आ गए। अब हम इस मंदिर का और व्यू दिखाते थोड़ा। तो मंदिर तो वैसे काफी अच्छा है, यहाँ पे साफ सफाई भी काफी है, बहुत बढ़िया मंदिर है ये तो। आहा, तो
तो अभी यहाँ पे सफाई चल रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा घूमने के लिए दे नहीं रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर, सभी भगवान है यहाँ पे। आपको जो भगवान अच्छा लगता है आप उसके पास आ जाइए।